पॉइंट बाकी है। हाँ हाँ थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे हमारा सुनील छेत्री को कितना प्यार दिया जा रहा है देखिए अपने टीम की तरफ से। और यहाँ पे एक दीवाना फैन घुस के आ चुका है देखिए फोटो लेने के लिए, इतना सिक्योरिटी को तोड़ के भी अंदर आ चुका है ये देखिए। बाउंसर लोग इसको आउटसाइड लेके जा रहा है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबको और एक नई वीडियो में। तो आज है 4 जुलाई और आज होने जा रहा है बेंगलुरु पे इंडिया और कुवैत का फाइनल मैच जो कि है फुटबॉल मैच। तो हम निकल चुके हैं घर से फुटबॉल मैच देखने के लिए। मेरे साथ में जोंटू भाई। जोंटू भाई किधर है? जोंटू भाई देखो आज पूरा घर से ही ड्रेसअप लगा के पूरा जर्सी वगैरह लगा के बैठ निकले हैं। मैं तो ऐसे ही नॉर्मल टी शर्ट और एक स्वेटर डाला है और हमारा सौमित्र भाई भी इधर ही है। तो हम बस स्टॉप पे वेट कर रहे हैं, हमारे सब और भी 2 लोग जाने वाले हैं उन लोगों को वेट कर रहे हैं। तो आ गया मलाई भी जर्सी लगा। जोंटू और मलाई तो पूरा रेडी है क्या जोंटू भाई? क्या कौन जीतेगा? इंडिया। और सौमित्र? इंडिया। चलो इंडिया जीत जाए यही प्रार्थना है। चलो वहाँ तक जाएंगे। कभी अभी करीब 5:30 हो रहा है और 7:30 को मैच स्टार्ट होगा। फिलहाल बस स्टॉप पे हम वेट कर रहे हैं बस का, और हमारा और एक दोस्त आने वाला है उनको लेके चलेंगे फरीद के लिए। मोटू आ गया देखो इंडिया का। अच्छा देखो, अरे बाप रे बाप, वेलकम वेलकम, फरीद भाई भी आ चुका है। चलो अभी हम यहाँ से रवाना होंगे और दिखाएंगे इंडिया कुवैत का मैच। बहुत ही मजा होने वाला है आज का ब्लॉग में, जितना जो कुछ भी है सब दिखाएंगे। बने रहिए ब्लॉग के साथ। चलो हम आके पहुंच चुके हैं, अभी बस से अभी उतरे हैं। बस स्टेडियम इधर ही है, ये में स्टेडियम। चलो और दोस्तों गार्डन सिटी का खूबसूरती देखो यार, गार्डन जो गार्डन ही है फिलहाल हर जगह। हमारा टीम में आज 5 लोग हैं, ये पीछे हमारा टीम, सबसे आगे मैं हूँ और हमारा टीम पीछे है। चलो पहले जाते हैं स्टेडियम के अंदर, ये गेट है। वेदर तो आज का मस्त हो रहा है, मस्त वेदर। बारिश हुआ था पूरा दिन भर बारिश हुआ, अभी फिलहाल पूरा फ्रेश है और अच्छा लग रहा है, बहुत ही मस्त लग रहा है। और टाइम तो 6:30 हो चुका है, करीब 1 घंटा है, 7:30 बजे मैच स्टार्ट हो जाएगा। तो टी शर्ट है, हमारा टी शर्ट नहीं है तो हम फिलहाल अभी यहाँ से टी शर्ट लेते हैं। टी शर्ट लेना जरूरी है क्या? जरूरी है, जरूरी है बोल रहा है। पुरीत भाई स्टिकर लगा रहा है हमारा देश का फ्लैग, देखो अच्छे से डालो। एक का कितना? 20 है। तो अभी मलाई भी अपना स्टिकर लगा रहा है। फरीद का तो हो चुका है। फरीद हाउ द फीलिंग? गुड। तो हम सौमित्र को दूसरा लगा रहा है। मैं भी स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट कर। हाँ जबरदस्त, मेरा भी चल रहा है। चलो भैया वाह, मेरा मेकअप चल रहा है, बस अभी एक ही पिंट बाकी है। हाँ हाँ थैंक यू सो मच। कंप्लीट ना? वाह थैंक यू चुका है। आखिर में हमारा जोंटू भाई का चल रहा है। जोंटू भाई मेकअप कंप्लीट, थैंक यू। चलो अच्छा सौमित्र का क्या चल रहा है? मस्त, अंदर ये नहीं हो रहा है, पूरा मेकअप वगैरह सब हो गया, लेकिन मैं टी शर्ट नहीं लिया, मेरा जो लगा के आया था वही, सबके सब टी शर्ट लगाया। कम ऑन इंडिया, सौमित्र अभी भी उधर टी शर्ट लगा रहा है। बढ़ते हैं अपना गेट पे, सब है पांचों के पांचों है, 3 है वो बाकी। हाँ अच्छा वो आ गया। चलो चेकअप के बाद अंदर चले। 12 नंबर गेट चेकिंग कंप्लीट, हम आ चुके हैं ऊपर, अभी यहाँ से ऊपर जाएंगे। फाइनली अंदर आ चुके हैं। चलो हमारा 2 बंदा भी बाकी, उनका चेकिंग चल रहा है फरीद और सौमित्र का। अच्छा और भी चेकिंग है यहाँ पे, और भी चेकिंग है यार। तो चलो तो यहाँ पे कुछ भी अलाउ नहीं अंदर यार, च्युइंगम भी अलाउ नहीं, तो हमारा च्युइंगम भी
आउटसाइड ही फेंक के आना पड़ा। चलो ऊपर तक जाएंगे, देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे, बने रहिए वीडियो के साथ। ऊपर आ चुके हैं, ये देखिए नीचे का हालत, लोगों का भीड़। अभी फिलहाल हम यहाँ से पूरा अपर तक चलेंगे, हमारा सीट जो है वो अपर में है, पूरा ऊपर तक जहाँ से हम देखेंगे मैच। हम आके पहुँच चुके हैं तो ग्राउंड को दिखाते, ऊपर आ चुके हैं ये ग्राउंड। तो यहाँ पे स्टेडियम पे देख सकते हैं लोग फिलहाल आ रहे हैं एक एक करके, और ये जो बड़ा सा बिल्डिंग देख पा रहे हैं पीछे, ये है यूबीसीटी मॉल, जो बेंगलुरु का सबसे बेहतरीन लग्जरी मॉल है, जिसको हम नेक्स्ट कभी वीडियो में दिखाएंगे आपको। फिलहाल ये है फील्ड जहाँ पे प्लेयर लोग अभी तक आए नहीं है, नॉर्मल सभी लोग प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं। तो हम अंदर आके बैठ चुके हैं अपना सीट पे, सीट बोले तो ये है। तीन बंदे इधर है, सुमित्र, मलय और फरीद। किधर है फरीद? है क्या फरीद? है हाँ बेटा, है ना, सीट मिला है। ठीक है चलो, मेरे ऊपर बारिश थोड़ा बहुत गिर रहा है ऊपर से, अंदर आके बैठे इसीलिए क्योंकि बारिश होने का बहुत चांसेस है। चेतु भाई, फीलिंग कैसा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम बैठ चुके हैं अपना सीट पे, बस 25 मिनट बाकी है। फिलहाल आ चुका है बारिश, देख सकते हैं आप, अभी तक मैच स्टार्ट ही नहीं हुआ लेकिन बारिश स्टार्ट हो गया। तो साथियों ये देख पा रहे हैं धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं, जो ऑरेंज कलर के जर्सी में हमारा इंडिया का टीम और ब्लू कलर के जर्सी में कुवैत का टीम फील्ड के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और गैलरी पे दर्शकों का भीड़ देख सकते हैं, धीरे धीरे जम रहा है दर्शकों का भीड़। अभी चंद मिनटों में हमारा नेशनल एंथम के साथ मैच स्टार्ट होगा। ये देखिए यहाँ पे कुछ बैनर पे फीफा फुटबॉल का कुछ बैनर है, और रेफरी वगैरह सभी लोग आ चुके हैं फील्ड के अंदर। ये देखिए हमारा इंडिया का टीम और कुवैत का टीम कितना शानदार रूप से आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत फोटोग्राफी चल रहा है शायद यहाँ पे। पाँच मिनटों में मैच स्टार्ट होने वाला है, सब खड़े हो गया। तो मैच शुरू होने से पहले फिलहाल चल रहा है हमारा कुवैत का नेशनल एंथम। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा काविड़ उत्कल बंग विंद हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाता, जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए ब्लू कलर में कुवैत का टीम और हमारा ऑरेंज कलर में इंडिया का टीम। ये बहुत ही शानदार गेम स्टार्ट हो चुका है। देखिए कुवैत का फाइनल मैच देखने के लिए दर्शकों का भीड़ देख सकते हैं दोस्तों। पूरा का पूरा जो कांटीरवा स्टेडियम है ये पूरा का पूरा आज हाउसफुल हो चुका है दर्शकों से। कोई पे भी स्पेस नहीं है, हर एक स्पेस फुल हो चुका है दर्शकों से आज का फाइनल मैच देखने के लिए। और सबकी मन में एक ही इच्छा है कि इंडिया जीत जाए। तो आज बहुत ही बेहतरीन मैच चल रहा है फाइनल मैच फुटबॉल का। और इतने भीड़ों के बीच में ये जो शख्स को आप देख पा रहे हैं ये एक अफ्रीकन यूट्यूबर है, गब्स गबी टीवी करके उनका चैनल का नाम है। मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, वहाँ से आप उनको सर्च कर सकते हैं। पाँच मिनट बाकी है, देख सकते हैं बस पाँच ही मिनट है और अभी तक सेम टू सेम 1-1 पे चल रहा है इंडिया और कुवैत। देखते हैं
और एक बात है दोस्तों, ऐसा मैं फर्स्ट टाइम में एक मैच देखने आया हूँ, लेकिन मैं मतलब मेरा तो गला पूरा बैठ चुका है चिल्लाते। स्टार्ट हुआ है, एक्स्ट्रा टाइम देखते हैं एक्स्ट्रा टाइम में क्या होता है। अभी तक तो ड्रॉ है मैच, सब एक्साइटेड है देखने के लिए क्या होता है। हो चुका है एक्स्ट्रा टाइम, ये देखिए अभी 90 मिनट कंप्लीट हो गया था, अभी एक्स्ट्रा टाइम पे मैच चल रहा है, देखते हैं। बंद है, बंद है, बंद है, जय जय जय। जबरदस्त हो रहा है, एक्स्ट्रा 15 मिनट में कंप्लीट है, अभी भी सेम टू सेम, दोनों पार्टी सेम टू सेम। अभी पेनाल्टी किक ये देख सकते हैं, क्योंकि मैच हो चुका है ड्रॉ, इसीलिए अभी होगा पेनाल्टी में शॉट। देखते हैं, हमारा सुनील छेत्री फास्ट शॉट मारते हुए आगे पहुंच चुके हैं। फर्स्ट किक सुनील छेत्री के पैरों से, पे आखिरी पेनल्टी शॉट में हमारा इंडिया जीत चुका है। ये देखिए अभी फिलहाल यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है, कलर छोड़ा जा रहा है पूरा, ऊपर से देखिए दर्शकों का खुशी का ठिकाना ही नहीं। इंडिया जीत चुके हैं हमारा फाइनल पे। आप देख पा रहे हैं 11 नंबर जर्सी पे हमारा इंडियन फुटबॉल टीम का बेहतरीन प्लेयर सुनील छेत्री, जो हाथ जोड़ करके दर्शकों को अपना अभिनंदन ज्ञापन कर रहे हैं और सबको अपना प्यार दे रहे हैं, हमारा बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर सुनील छेत्री। तो यहाँ पे हमारा सुनील छेत्री को कितना प्यार दिया जा रहा है देखिए अपने टीम की तरफ से, और यहाँ पे एक दीवाना फैन घुस के आ चुका है देखिए फोटो लेने के लिए, इतना सिक्योरिटी को तोड़ के भी अंदर आ चुका है। ये देखिए बाउंसर लोग इसको आउटसाइड लेके जा रहा है फिलहाल, ये देखिए। अरे यार, इतना सिक्योरिटी के बाद भी यहाँ पे घुस के आ चुका है देखिए। तो यहाँ पे चल रहा है जश्न, जो जीत का जश्न मनाया जा रहा है, देख सकते हैं हमारा पूरा इंडिया का फुटबॉल टीम यहाँ पे है, और बड़े बड़े लोग भी है यहाँ पे इंडिया फुटबॉल टीम के, और यहाँ पे कुवैत से भी लोग आए हुए हैं देख सकते हैं। एक
शेख यहाँ पे नज़र आ रहा है, और भी कई सारे लोग हैं यहाँ पे, सब मिल के हमारा इंडिया का जीत का जश्न मना रहे हैं। कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमारा इंडिया आज विन हो चुका है कुवैत के साथ, तो मैच को दिखाया आज का ब्लॉग में। चलो इस ब्लॉग को अभी फिलहाल हम क्लोज करते हैं, यहाँ से हम आउटसाइड चले जाएंगे और मिलते हैं बहुत ही जल्द और एक नए ब्लॉग पे। तब तक के लिए चलो सब अपना ख्याल रखो, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करो, और मिलते हैं नए प्लेस पे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए चलो सबको टाटा बाय बाय।